हे गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टेइंग सेफ सो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर लेकिन उससे पहले सेकेंड चैप्टर का ये एक लास्ट पेज है जो बचा हुआ है अभी तक सो so, पहले हम ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन साइकिल ठीक है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है इट रिप्रजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस एज एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मैमरी एंड एग्जीक्यूट ठीक है ये क्या है एक रिप्रजेंटे रिप्रजेंट सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी से एग्जीक्यूट होती हैं ठीक है लाइक like, ये आ गया इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे होता है जैसे आपका आ गया ये स्टोर स्टोर से फैच फैचिंग होती है फैचिंग से डी कोड से एग्जीक्यूट ठीक है अ सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेप जैसे फर्स्ट आता है आपका फैचिंग फर्स्ट वन इज़ अ फैचिंग फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी फैचिंग जो है मतलब जो स्टोर मेमोरी होती है उससे में उससे आते से फैचिंग आ गया उसके बाद डी कोडिंग फैचिंग से क्या होता है फिर वो सारा कोड उसका मतलब डी कोडिंग होती है उसकी जो आपने डाटा डाला उसकी डी कोडिंग होती है डिगोटिंग होने के बाद क्या होता है एग्जीक्यूटिंग होती है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन होने के बाद में वो सब क्या होती है स्टोर हो जाती है फिर से इसमें मेमोरी में ओके सो okay. so, ये आपके आगे फोर पॉइंट्स उसके बाद इन अब स्टेप स्टेप वन एंड टू इंस्ट्रक्शन आर द सेम एंड नोन एज फेट साइकिल एंड स्टेप थ्री एंड फोर इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट एंड कॉल्ड एज एग्जीक्यूट साइकिल अब क्या होता है कि ये जो uh, मतलब ऊपर ये जो स्टेप दिए गए हैं ये जो स्टेप्स बताए हैं उन्होंने फोर इसमें से स्टेप वन और स्टेप टू मतलब फैचिंग डिकोडिंग जो है ये सेम ही है फैचिंग और डिकोडिंग जो है ये सेम ही प्रोसेस है इसलिए इसको क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं फैच साइकिल ओके इसको बोलते हैं फैच साइकिल एंड स्टेप थ्री एंड फोर यानी कि एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग ये जो है ये डिफरेंट है इसलिए इनको क्या बोला जाता है एग्जीक्यूट साइकिल ठीक है इसको बोला जाता है फैचिंग साइकिल इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिंग साइकिल उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ऑन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वन विच इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर जो है वो डाटा को या जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसमें डालते हैं कौन से फॉर्मेट में समझता है एक जीरो के एक वन के मतलब जो भी हम डाटा उसमें डालेंगे उसकी डिकोडिंग किस फॉर्म में होती है जीरो वन की फॉर्म में ठीक है जीरो और वन की फॉर्म में उसकी जो है वो कोडिंग होती है तो वो उसी टाइप की डाटा को समझ सकता है इसीलिए उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्क्राइब द स्टेप टू बी परफॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट अ कंप्यू कंप्यूटेशनल टास्क अब कंप्यूटर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ठीक है जो डिस्क्राइब करता है स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसमें आपने कोई भी अगर टास्क आपने करना है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस uh, आपकी हेल्प करती हैं द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स प्रोसेसर के दो इनपुट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ठीक है जो भी हम उसमें डालते हैं द इंस्ट्रक्शन स्टाइल्स अ प्रोसेसर वट एक्शन आर नीडेड टू बी परफॉर्म ऑन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिडेड टू टू पार्ट ऑपरेशन एंड ओपन अब क्या होता है इसके दो टाइप मतलब दो इनपुट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन और डाटा जो हम इसमें डाल सकते हैं ठीक है इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर को बताती हैं कि किस तरीके से एक्शन मतलब डाटा पे लेना है परफॉर्म करना है और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो फर्दर दो पार्ट्स में पार्ट्स में डिवाइडेड है एक ऑपरेशन में जिसको ओपी कोड बोलते हैं और एक ओपन में सो ओपी कोड रिप्रेजेंट एक्शन दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट एंड ओपन डिफाइन अ पैरामीटर ऑफ़ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन ठीक है ओ ओ पी कोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आ, प्रोसेसर जो है वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है और पैरंट जो है वो डिफ़ाइन करता है पैरामीटर ऑफ द एक्शंस को एंड डिपेंड किस पे ऑपरेशन पे डिपेंड है उसके बाद आता है आपका टेडबिट्स टेडबिट्स क्या होता है मशीन साइकिल टेडबिट्स में सबसे पहले आता है मशीन साइकिल मशीन साइकिल में क्या है मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय द टाइम दैट टेक्स टू फच टू ऑपरेंट्स फॉर फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म ए ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ रजिस्टर मशीन साइकिल जो है ये डिफाइंड किसके द्वारा होता है बाय टाइम होता है जिसमें uh, जिसमें uh, दो फच ऑपरेंट होते हैं रजिस्टर से और परफॉर्म ए ऑपरेशन से जो स्टोर होते हैं रिजल्ट उसका किसमें वापस है रजिस्टर में ठीक है पाइप लाइनिंग इंप्रूव्स एग्जीक्यूशन स्पीड बाई पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन इंटू पैलर इट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस प्री फिच पाइप लाइन पाइप लाइनिंग क्या होती है जो इम्प्रूव करती है एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूशन uh, स्पीड को बाय पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस जो कि पैलर इट इज कॉल्ड इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन फैच्स बोलते हैं उसके बाद है सॉकेट सॉकेट क्या होते हैं सॉकेट uh, जो है आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड सॉकेट्स क्या होते हैं वो कनेक्टिंग पॉइंट्स चिप होते हैं जो मदरबोर्ड पे लगाए जाते हैं ओके okay? सो so, अब आता है हमारा चैप्टर थ्री अब आता है हमारा चैप्टर थ्री दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर ओके हार्डवेयर क्या होता है मैंने आपको बताया था जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं ठीक है थीके? जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो आता है हार्डवेयर में ठीक है हार्डवेयर वो जैसे हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हो गया कि जो भी आपका उसमें प्रोग्राम्स हैं लाइक जो भी आपकी एप्स हैं उसमें या फिर फंक्शंस हैं वो आपका सॉफ्टवेयर में आ जाता है हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टक टच कर सकते हैं लाइक like आपका कीबोर्ड लाइक like आपका माउस ठीक है सीपीयू ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं आपके हार्डवेयर में सो लेट स्टार्ट चैप्टर थर्ड दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय द यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किसको रेफ़र किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर किया जाता है फिजिकल कम मतलब जितने भी कंप्यूटर के साथ में जो आ, बोल सकते हैं हम जिनको हम टच कर सकते हैं वो वाले कंपोनेंट्स जो हैं उसको बोला जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर बाय द यूज़ ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइस इट मेड वेरी ईजी फॉर द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इट्स डाटा स्टोर एंड रिटवा हार्डवेयर इज़ वन ऑफ़ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द कम्प्यूटर अब ये जो है कम्प्यूटर को बहुत ही ईजी और बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी बनाता है यूज़र के लिए कि उसको कैसे जो है प्रोसेस करना है डाटा पे उसको कैसे स्टोर करना है कैसे रेटिवाई करना है हार्डवेयर जो है ये क्या है एक बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का ओके सो नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं मतलब जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करवा सकते हैं कंप्यूटर में एंड इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइड एज इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोर

एंटर करा सकते हैं कंप्यूटर में ये एक क्या है इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा जो है यूज़र जो है वो डाटा को फीड कर सकता है डाटा को जो है एंटर करा सकता है कंप्यूटर में एनालिसिस के लिए स्टोरेज के लिए ठीक है या yeah? किसी कमांड के लिए किसी भी चीज़ के लिए जो डाटा उसमें एंटर किया जाता है जो डाटा एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो हम स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी में सेव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शंस पे ठीक है जो कन्वर्ट करता है मतलब जो भी हम डाटा डालेंगे जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था जीरो और वन की कोडिंग में ही कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है सो so वो उसको उस मशीन उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज ठीक है तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके विद इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसमें एंटर uh, कर कराता है सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस ट्रैकबॉल जॉक जॉयसटिक लाइट पैन टच स्क्रीन बार कोड रीडर ओ एम आर ओ सी आर एम आई सी आर स्मार्ट कार्ड रीडर बायोमेट्रिक सेंसर स्कैनर माइक वेब कैम पी सी कार्ड एक्सेट्रा विच आर डिस्क्राइबड बिलो ठीक है कुछ जो है इनपुट डिवाइसिस हैं इनपुट uh, डिवाइसेस uh, जो हमें यहाँ पे मेंशन कराए गए हैं लाइक जो आपका माउस है ट्रैक बॉल है जॉयस्टिक है लाइट पेन है टच स्क्रीन है बो बर कोड रीडर है ओ एम आर सी ओ सी आर एम आई सी आर स्मार्ट कार्ड रीडर बायोमेट्रिक सेंसर स्कैनर माइक वेब कैम्प ये सब जो हैं क्या आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे सो so, सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड कीबोर्ड होता क्या है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस दैट यूज़र कैन Type text in command using this device. The layout of the keyboard was broad from the regular typewriter with some additional keys. Keyboard is used to enter data or information in a computer system which may be. न्यूमरिक फॉर्म और अल्फाबेटिक फॉर्म की बोर्ड होता क्या एक्चुअल में कीबोर्ड जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है ज़्यादातर उसी के थ्रू हम डाटा एंटर कराते हैं ठीक है जिसमें हम टेक्स लिख के डाल सकते हैं किसी भी कमांड पे या कुछ भी ठीक है तो so ये क्या है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस द ले ऑफ द कीबोर्ड वॉज ब्रॉड फ्रॉम द रेगुलर टाइप राइटर विद सम एडिशनल कीज जो इसके लेआउट्स होते हैं मतलब जैसे जिस तरीके में इस पर लिखा गया होता है जिनके लेआउट्स होते हैं ये क्या होते हैं थोड़े बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइप राइटर से ये लिखे जाते हैं की बोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा की बोर्ड को किस लिए यूज़ करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन को एंटर कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है वो मे बी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है और अल्फाबेटिक भी न्यूमेरिकल मतलब वन टू थ्री जीरो सेवन एट इस फॉर्म में भी हो सकता है यान ए बी सी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी हो सकता है कीज प्रेस कीबोर्ड इंट्रैक्ट्स विद द की कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर जैसे ही आप कीबोर्ड को प्रेस करते हो जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं जैसे आपने यहाँ पे कहीं पे इसको जो है आपने इसको प्रेस किया किसी भी बटन को तो कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से जाके कॉन्टैक्ट में आता है ठीक है कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर अ कोड ऑफ प्रेस्ड की इन द की बफर क्या होता है कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो स्टोर करता है जैसे जो भी की आपने प्रेस किया लाइक आपने अल्फ़ाबेट को प्रेस किया है ठीक है यान कोई भी की आपने जो वो प्रेस की है तो वो उसको की कीबोर्ड बफर में जो है जाके क्या करेगा आ, प्रेस करेगा दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज क्वेंट्री क्वेट्री डावोरैक एंड एजेटी तीन टाइप्स के कीबोर्ड्स जो हैं इसमें बताए गए हैं सो अब ये देखो ये आपका कीबोर्ड ठीक है इसको ये वाले जो होता है ना इसको बोला जाता है कीबोर्ड इसकी ये जो है ये फंक्शन कीज़ होती हैं ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल जो यहाँ पे ए टू जेड लिखे जाते हैं ये आगे आप क्या अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कीज़ ठीक है कीज, कर्सर कीज़ आपकी ये वाले कीज़ जो होते हैं इनको बोला जाता है कर्सर कीज है न्यूमेरिक कीपैड आता है ये वाला ओके सो so, अगर किसी के पास की बोर्ड है उसको तो ईजिली पता होगा अगर नहीं है तो आप पिक्चर्स में जाके भी देख सकते हो एंड ऑलमोस्ट आपने कंप्यूटर्स तो देखे ही होंगे ओके सो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड ठीक है कौन कौन टाइप से टाइप्स के जो है वो कीबोर्ड्स होते हैं कीज होती हैं कौन कौन से टाइप की कीज जो होती हैं की बोर्ड पे सो so, वही हम जो है देखेंगे सो फर्स्ट आता है आपका ये पढ़ेंगे आज हम द द कीज आर अंडर फॉलोइंग ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप्स में कैटेगराइज है कीज फर्स्ट वन इज अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कीज अल्फा न्यूमेरिक की से हमें पता चल जाता है अल्फा alpha, मतलब अल्फाबेट्स ए टू जेड इन न्यूमेरिक मतलब वन टू थ्री ओके तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इंक्लूड करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ को जैसे ए टू जेड एंड न्यूमेरिक कीज़ मतलब जीरो टू नाइन ज़ीरो टू नाइन इसी लिए होता है क्योंकि आगे तो जितने भी बनते हैं वो सारे ज़ीरो टू नाइन वालों को यूज़ करके ही बनते हैं सो so, सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिक कीज़ न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं आर लोकेटेड द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड की बोर्ड के राइट हैंड साइड पर यह लोकेटेड होती हैं दे कंसी डिजिटल डिजिट्स एंड मैथामेटिक ऑपरेशन ठीक है सो जिसमें मैथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू इस तरह के साइंस होते हैं वो आ जाता है आपका मैथमेटिक ऑपरेटर्स में उसके बाद आता है आपका फंक्शन की ठीक है सो फंक्शन की में पहले आपका आ जाता है फंक्शन कीज आता प्रोग्रामेबल कीज दैट इज प्रोग्राम कैन असाइंड सम स्पेसिफिक एक्शंस दे आर नंबर्ड फ्रॉम एफ वन टू एफ वन एफ ट्वेल्व तक ये जो है फंक्शंस कीज होती हैं आपकी उसके बाद आता है आपका कर्सर कंट्रोलर कीज इंक्लूड फोर डायरेक्शनल जैसे वो दिया होता है ना ये लेफ्ट का है राइट right का है अप का है डाउन का ये आपका आ जाता है कर्सर वाला ठीक है तो ये ये आता है आपका कर्सर कंट्रोल की में एरोज की दैट अरेंज इन इन्वर्टर टी फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक की पैड्स में जो आते हैं ठीक है अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक की पैड्स में जो टी फॉर्मेशन इन्वेंटर टी फॉर्मेशन जो इस फॉर्म में होते हैं उसके बाद एबव द एरोज कीज़ देर आर फोर मोर कीज टू कंट्रोल कर्सर कौन सी चार ऐसी और कीज़ है जो कर्सर को कंट्रोल कर सकती हैं दीज आर एस फॉलो फर्स्ट वन इज होम इट इज़ यूज टू रिटर्न द करसर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होम वाला जो ऑप्शन होता है होम वाला वो क्या करता है कर्सर को रिटर्न वापिस करता है कहाँ पर बिगनिंग ऑफ द लाइन लाइन के स्टार्ट में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में एंड वाला जो ऑप्शन है इट मूव द करसर टू द एंड ऑफ द लाइन एंड वाला जो है ये कर्सर को बिल्कुल एंड ले जाता है line के उसके बाद आता है आपका page, आप, page आप वाला जब आप प्रेस करते हो तो पेज क्या होता है मूव हो जाता है वन पेज पे आ जाता है आपका कर्सर एंड पेज डाउन वाला अगर आप करते हो तो पे वो कर्सर जो है एकदम डाउन मतलब लास्ट वाले पेज पे है जो वो चला जाता है ठीक है उसके बाद में आता है आपका अदर कीज़ की बोर्ड कंटेंट सम अदर कीज सच एज फॉलोज ठीक है फर्स्ट वन इज कंट्रोल की कंट्रोल की किस लिए यूज़ होते हैं इट परफॉर्म्स अ स्पेशल ऑपरेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज तो कंट्रोलर की जो है कंट्रोल की जो है वो किस लिए uh, यूज़ की जाती है ये परफॉर्म करती है एक स्पेशल ऑपरेशन विद अ कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ मतलब अगर हम कंट्रोल को लेके Uh, बाकी कीज uh, में चलते हैं तो वहाँ पे कुछ कम्बिनेशनस होते हैं लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस टाइप के जो हैं सेव पेस्ट कॉपी करने के लिए तो वो यूज़ किए जाते हैं एंटर की अगर एंटर की को uh, किस लिए यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं फिनिश एंड एंट्री एंड बिगन द न्यू एंट्री इन द डॉक्यूमेंट ठीक है सो एंटर की इज़ अल्टरनेटिव टू एंटर की जो है वो ओके okay बटन uh, का अल्टरनेट है ये बोल सकते हैं सो so, उसके बाद शिफ्ट की सम कीज़ ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज़ हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन द अपर पोर्शन शिफ्ट कीज़ यूज टू प्रिंट द सिंबल दिस कीज ऑल्सो कॉल्ड एस कम्बिनेशन की शिफ्ट को भी एज अ कम्बिनेशन जो वो है वो यूज़ किया जाता है स्कैब की क्या होती है इट अलाउज अ यूज़र टू अप एट अ प्रेजेंट प्रेजेंट इट ओपन स्टार्ट मेन्यू विद अ कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की सी टी आर एल सिर एल विद कंट्रोल की इसे ये एस्केप की क्या होती है ये अलाउ करती है यूज़र को कैंसिल या अबॉट करने के लिए ऑपरेशन को विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट ठीक है जो प्रेजेंट जो स्क्रीन पे चल रहा होता है उसको तो जो एग्जीक्यूट कर सकता है इट ओपन स्टार्ट मेन्यू विद अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट और सी टी आर एल की से ये जो ओपन हो जाता है उसके बाद आ जाता है बैक स्पेस की बैक स्पेस की में आपका क्या है इट इज़ यूज टू रेज एनीथिंग टाइप जो भी आपने टाइप किया होता है उसको आप बैक स्पेस की से अरेज कर सकते हो डिलीट की इट इज़ यूज टू इरेज इंफॉमेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन डिलीट की को आप किस लिए यूज़ कर सकते हो जो भी आपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है डाली आप उसको इरेज़ कर सकते हो उसके बाद कैप लॉक की कैप्स लॉक की सी ए पी सी एफ पी एस लिखा होता है इट इज़ यूज टू द टाइप ऑफ द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स जो भी आपके अल्फ़ाबेट uh, जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं उनको टाइप करने के लिए आप सी ए पी सी स्कैप्स लॉक की यूज कर सकते हो इट इज़ अनेबल और डिसेबल ऑल द लेटर्स फ्रॉम बींग टाइप इन कैपिटल लेटर ठीक है तो ये एबल मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी अगर आपको स्मॉल चाहिए या कैपिटल चाहिए वो ये कर सकते हैं वैन दिस की इज़ एनेबल द अल्फाबैट वुड बी इन कैपिटल लेटर वैन इट इज़ डिसेबल द अल्फ़ाबेट वुड बी स्मॉल इन लेटर्स अगर ये एबल है तो इसमें अगर अगर एबल हो रही है तो इट मीन्स ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल इन लेटर हो जाएंगे अगर डिसेबल है तो अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे उसके बाद आता है नम लॉक की इट इज़ यूज टू अनेबल द डिसेबल एंड न्यूमेरिक की पैड ठीक है कि आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है नंबर वाला की पैड जो है वो अनेबल है कि डिसेबल है ये बताता है विंडो की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू विंडो की किस लिए यूज़ की जाती है मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए उसके बाद में आता है आपका स्पेस बार की सो इट प्रोवाइड्स अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स इट इज़ लॉन्गेस्ट ऑन द कीबोर्ड ठीक है स्पेस मतलब कि जैसे हम अपने मोबाइल में स्पेस लेते हैं ठीक है स्पेस की एक वर्ड लिया उसको हमने स्पेस देनी है देन सेकंड स्टार्ट करना है ऐसे तो नहीं लिख लेते हैं ना हम द डाटा को अगर हमने लिखना है दो डाटा ऐसे तो नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं पहले दो लिखेंगे उसके बाद स्पेस देते हैं फिर हम लिखते हैं डाटा ठीक है तो इस तरीके से ये स्पेस बार जो है स्पेस बार की का काम है टैब की इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ओवर द राइट टू द प्री सेट पॉइंट इन वो डॉक्यूमेंट टैब इज़ यूज टू इंटेंट अ पैराग्राफ टैब की किस लिए यूज़ की जाती है आपका जो कर्सर होता है उसको मूव कराने के लिए किस तरफ ओवर द राइट टू द प्री सेट पॉइंट ओके सो उसके बाद आ जाता है आपका टेट बिट टेट बिट में सबसे पहले आता है आपका क्वैटरी क्वरिटी कीबोर्ड कंटेंट्स टोटल वन फोर ज़ीरो कीज कितनी होती हैं एक सौ चार कीज होती हैं कीबोर्ड में वन हंड्रेड फोर कैप्स लॉक एंड नम लॉक की आर कॉल्ड एज टॉगल की जो कैप्स लॉक वाली और नम लॉक वाली कीज़ होती है उसको बोला जाता है टॉगल की क्योंकि जब हम इनको प्रेस करते हो तो ये टॉगल करती हैं ठीक है टॉगल करती हैं या फिर और चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर शिफ्ट कंट्रोल एंड अल्ट एल टी कीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की बोला जाता है इनके बाद उसके बाद आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस इज यूज टू कॉम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मोनीटर पॉइंटिंग डिवाइस को किस लिए यूज़ किया जाता है कॉम्य कॉम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ में बाय पॉइंट ठीक है जैसे किसी भी लोकेशन पे या किसी और मतलब मोनीटर लोकेशन ऑन द मोनीटर ठीक है उसके बाद आता है आपका मूवमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर ईकोड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर जो मूवमेंट है पॉइंटिंग डिवाइस का वो डिपेंड करता है पॉइंटर के मूवमेंट पे सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस है जैसे माउस है माउस का आप थोड़ा सा हिलाते हो तो होता है ट्रैक बॉल है जॉयस्टिक है लाइट पेन है टच स्क्रीन है विच आर डिस्क्राइब बिलो जैसे माउस क्या है माउस क्या होता है माउस जो है इट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस अ स्मॉल व्हील ठीक है माउस क्या होता है माउस सब ने देखा ही होगा इस तरीके से कुछ होता है इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे लगा होता है बटन सा लगा होता है एक व्हील टाइप सा बटन लगा होता है और ये वाला पोर्शन भी बटन ही होता है और ये वाला पोर्शन भी बटन ही होता है ऑलमोस्ट ठीक है ये दो बटन प्रेस करने वाले होते हैं ये व्हील स्क्रोल करने के लिए होता है सो so, माउस क्या होता है एक हैंड हेल्ड मतलब आपका हाथ में ये आ जाता है ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसके साइड पे दो बटन होते हैं ठीक है एक ये हो गया से एक ये हो गया दो बटन होते हैं और एक स्मॉल व्हील बिटवीन दीज बटन इन बीच बटन के बीच में एक स्मॉल सा व्हील यहाँ पर लगा होता है जिसको हम स्क्रोल करने के लिए यूज करते हैं इट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस विच अ मीन टू इनपुट डाटा एंड कमांड इन अ ग्राफिक फॉर्म बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन मोनिटर ठीक है तो ये क्या काम करता है इनपुट डाटा जो है हमने डाटा उसमें डाला होता है उस उसको आ, जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस प्रोवाइड करता है और कमांड किसमें होती है इसकी ग्राफिक फॉर्म में होती है ठीक है बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एरो अगर हम को मूव करते हैं तो उसको बोलेंगे पॉइंटर ऑन मोनीटर उसके बाद आता है आपका उसके बाद आ जाता है द माउस में बी यूज टू पोजिशन द करसर ऑन द स्क्रीन मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाई क्लिकिंग ठीक है जैसे आपका सपोज यहाँ पे करसर है स्क्रीन पे आपका यहाँ पे कर्सर है ठीक है ये कर्सर आ गया आपका यहाँ पे आपका माउस है ठीक है माउस है अब जैसे जैसे आप माउस को यहाँ से हिलाओगे ना अगर माउस को आप यहाँ पे मूव कर रहे हो थोड़ा यहाँ पे आ गया तो आपका कर्सर ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा अगर आप माउस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हो सपोज यहाँ पे आ गया तो आपका कर्सर जो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा तो कर्सर की मूवमेंट जो है वो माउस के मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है ठीक है माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डॉग एंगल बट बाय एट एट थ्री टाइप ऑफ माउस एक तो वायरलेस माउस हो गया मैकेनिकल माउस हो गया एंड ऑप्टिकल माउस हो गया देर फॉर देर आर फोर एक्शन ऑफ माउस एज ए क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक जैसे ये माउस आ गया आपका अब इतना करेक्ट तो बन नहीं रहा मेरे यहाँ पे ठीक है इसी तरीके से कुछ होता है आपका माउस तो यहाँ पे आपका स्क्रोल बटन होता है और ये वाला ये वाला भी आपका एक बटन होता है और ये वाला भी अगर ये लेफ्ट वाले को अगर आप प्रेस करते हो इट सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन ये जिस भी जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो वाली आइटम को ये क्या कर देगा सेलेक्ट कर देगा डबल क्लिक इट इज़ यूज टू ओपन द डॉक्यूमेंट अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो ना दो बार क्लिक करते हो तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका कर्सर है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा राइट क्लिक इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द स्क्रीन राइट क्लिक इज यूज टू असैस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर आप राइट right क्लिक करते हो तो जो ऑब्जेक्ट आपने एक एक टैब से इसको सेलेक्ट किया था उसकी आप क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन जो इस पे ड्रैग uh, सा होता है ऐसे उसको आप क्या करते हो मतलब उसको अगर आप माउस को आगे पीछे करते हो तो क्या होता है उससे आपका जो कर्सर होगा वो भी आगे पीछे मूव करेगा ओके okay? सो so, उसके बाद आपका आ जाता है ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल क्या होता है इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस ये भी एक क्या है अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसका अल्टरनेट है माउस का अल्टरनेट है ट्रैक बॉल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द करसर मूवमेंट एंड एक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ट्रैक बॉल भी जो ये क्या करता है मूवमेंट ऑफ करसर को जो है वो कंट्रोल में करता है ओके इट इज़ जर्नली बिल्ट इन लैपटॉप ये लैपटॉप में ज़्यादा होता है सेंस देर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप ट्रैक बॉल इज यूज ऑन सी ए डी सी एम वर्क स्टेशन एंड समटाइम सीन ऑन कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्क स्टेशन सच एज रैडर कंसोल्स इन एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड सोनार इक्विपमेंट ऑन द शिप और सबमराइन ठीक है जैसे कि ट्रैक बॉल जो है जैसे कि आपके लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो माउ माउस को जो है आप लैपटॉप पे मूव करा सको सो ट्रैक बॉल जो है वो सी ए डी या सी एम वर्क स्टेशन में क्या होता है यूज़ होता है और कभी कभी तो ये कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पज़ वर्क स्टेशन में जैसे रेडार एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स या फिर सोनार इक्मेंट शिप्स सबमरीन में जितने भी होते हैं उनमें यूज होता है उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक जॉयस्टिक क्या होता है जॉयस्टिक इट इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन ये एक डिवाइस है जो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर ये भी कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल में करता है ठीक है इट इज़ यूज इन फ्लाइट स्टिमुलेटर सी ए डी ये फ्लाइट्स वगैरह में ज़्यादा यूज होता है जे इज अ सिमिलर टू अ माउस एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सून एज यूज स्टॉप मूविंग द माउस ये भी जो है माउस की तरह ही है लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंट है एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ कर्सर की जैसे है कि माउस का क्या होता है कि अगर हम उसको मूव कराना बंद कर देते तो कर्सर मूव करना बंद कर देता है ठीक है बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूस मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन इसमें लेकिन इसमें क्या होता है जॉयस्टिक में कि अगर पहले मेरा कर्सर जो है इधर इधर ऐसे ऐसे मूव करा है ना तो ये इधर इधर मूव करता ही रहेगा करता ही रहेगा रुकेगा नहीं ठीक है तो जॉयस्टिक का बस इतना सा अलग होता है ये मूव करता रहता है प्रीवियस पॉइंटिंग डायरेक्शन में जो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन मतलब कि 360 डिग्री में करता है जैसे ये यह यहाँ पूरा 360 डिग्री में ये जो है उसको अलाउ करता है उसके बाद आ जाता है आपका लाइट पेन लाइट पेन क्या होता है इट इज़ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स एंड फॉर मैन्यू सेलेक्शन लाइट पेन क्या होता है लाइट पेन जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप कोई भी ड्राॅइंग कर सकते हो कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हो ठीक है या फिर या फिर कोई भी मैन्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो द पेन कंटेन्ज अ फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब इस पेन uh, में जो है क्या होता है फोटो सेल होता है एक छोटी सी ट्यूब की फॉर्म में इट सेंसेज अ लाइट फ्रॉम द स्क्रीन वेन वेन इट कम्स क्लोजर एंड जनरेट्स अ पल्स इट इज़ यूज टू स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस पी डी ए में ज़्यादा यूज़ होता है बहुत ही यूजफुल होता है आइडेंटिफाई करने में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को ऑन द स्क्रीन एंड हाउ एवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन वेन इट इज़ हेल्ड ओवर द ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन अगर स्क्रीन के किसी ब्लैंक पार्ट में इसको रख दो तो ये क्या करता है इंफॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड नहीं करता है उसके बाद आ जाता है आपका टच स्क्रीन सो टच स्क्रीन क्या होती है इट इज़ टच स्क्रीन होती क्या है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूजर प्लेज अ फिंगर फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टच स्क्रीन होता है कि अगर आप अपनी फिंगर जो है स्क्रीन पर रखते हैं तो वहाँ पे आपका इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है मतलब जो भी आप उसमें कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है टच स्क्रीन हैवेन इंफ्रारेड बीम दैट क्रिस क्रॉस एंड सफर ऑन स्क्रीन द एबिलिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद विद्पले टिपिकली ऑफ टच एंड स्क्रीन टच स्क्रीन इज जनरली यूज इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम हॉस्पिटल्स एयरलाइन रिजर्वेशंस सुपर मार्केट्स एट्सेट्रा ठीक है तो टच तो स्क्रीन क्या हो गया कि जिसपे आपने टच किया और वहाँ पर मूवमेंट जो है वो हो रही है मूवमेंट जो है हो रही है तो ये टच स्क्रीन जनरली कहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होती है ए में हॉस्पिटल्स में एयरलाइन रिजर्वेशंस में या सुपरमार्केट वगैरह में उसके बाद आता है बार कोड रीडर इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार ठीक है तो ये क्या है एक इनपुट uh, डिवाइस है जो बार कोड रीडिंग uh, करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड बार कोड रीडर्स जिससे आपका रेट वगैरह जो है वो पता चल जाता है लाइक कि कैंटीन्स वगैरह में अगर आप सामान लेने जाते हो या मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है बार रीडर को ठीक है सो so, उसके बाद आता है आपका अ बारकोड रीडर एम इट्स बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बारकोड इमेज की जहाँ पे आपका ये बारकोड होता है ये वाला ये वाला इसी आपका जो है वो पता चलता है बारकोड इमेज में जो लिखा क्या है वो इमेज उसमें आ जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर एज अ बार कोड रीडर आइडेंटिफाई द बारकोड इमेज बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल बार्स एट बोथ द एंड ऑफ द इमेज ठीक है तो ये बार कोड मतलब इस इस पर उस पर जैसे ही करते हैं आप कनेक्ट करते हैं इसे इस पर स्लैश करते हैं तो वो पता चल जाता है कि इस पिक्चर में एक्चुअल में दिखाया क्या गया है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बारकोड रीडर यूज इन सुपर सुपरमार्केट्स में अगर आप जाते हैं तो बारकोड का यूज़ होता है ठीक है स्कैनर रीडर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का प्राइस अगर आपको जानना है तो वहाँ पे वो यही चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं ठीक है बार बारकोड इज़ अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ डार्क लाइट एंड इंक ओके सो आज के ओके गाइस okay आज आ, की क्लास में इतना ही बाकी हम करेंगे नेक्स्ट जब भी हम आ, करेंगे सो आई होप आपको ये समझ में आएगा अगर किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू